धार शहर में दशहरे के पर्व पर दो स्थानों पर रावण दहन का आयोजन किया जाता है। शहर में वर्षों से स्थानीय दशहरा मैदान पर नगरपालिका द्वारा रावण दहन का आयोजन किया जाता रहा है, जो आज भी जारी है। लेकिन करीब 44 वर्षों से किला मैदान पर दूसरा रावण दहन का आयोजन होता आ रहा है। शहर के मध्य किला मैदान चारों दिशाओं से सड़कों से जुड़ा हुआ है तथा यहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने से शहर की अधिकांश जनता किला मैदान पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में सम्मिलित होती आई है। नगरपालिका द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम दशहरा मैदान पर होता आया है, जहां धीरे धीरे जनता की उपस्थिति कम ही होती चली गई है। किला मैदान पर रावण का निर्माण अंतिम चरणों में है। इस वर्ष 51 फीट के रावण पर लाइट लगी होगी, साथ ही रावण घूमता हुआ नजर आएगा। रावण के निर्माण में कई सालों से मुस्लिम समाज के लोगों का भी सहयोग रहता है। किला मैदान के रावण दहन के आयोजन में स्थानीय स्तर पर ही रावण का निर्माण किया जाता था। बाद में रावण का निर्माण बाहर से आए कलाकारों के द्वारा किया जाने लगा। वर्तमान में राव से आकर कलाकार यहां रावण के पिछले 8 दिनों से सतत कार्य कर अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसका कल शाम को दहन किया जाएगा। रावण दहन के पूर्व यहां आकर्षक आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिलेगा। किला मैदान स्थित दशहरा उत्सव समिति के संस्थापक भगत चौहान के साथ एक लंबी चौड़ी टीम है, जो निरंतर इस कार्य में अपना सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाते आए हैं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। मैं सर इसमें करीब करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम ये हमारे उस्ताद है भगत दादा, हम उनके साथ हैं। और पहले मार्केटिंग सोसाइटी में हाथ से बनाते थे, फिर 5-6 साल से हम कारीगर को राउंड से बनवा रहे हैं। इसके पहले हमने खलगांठ से कारीगर बुलाए थे, उसके बाद 3 साल से हमने 4 साल से राउंड से कारीगर बुला के करवा रहे हैं। कितने दिन से चल रहा है ये रावण का निर्माण कार्य? ये हमारा 8 दिन हो गए करीब। 51 फीट का है। अच्छा, इसका क्या मोमेंट वगैरह भी रहेगा, चलेगा कि नहीं? ये घूमेगा। अच्छा। लाइटिंग भी करी है इस साल, कुछ नया करा है इसमें, तो हर साल जैसे घुमाते हैं तो इस साल भी ये घूमेगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद नूर दार। आप दादा, ये दशहरा मैदान पे जो है जी, प्रतिवर्ष दशहरा पे रावण होता है दहन जी, आप कब से जुड़े हैं इससे? मैं 44 साल से। 44 साल से जुड़े हैं आप जी। और इसमें आपको क्या लगता है कि दिन पे दिन इस पर अच्छी प्रोग्रेस हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है सर, काफ़ी जनसंख्या भी आती है। पहले कितना बड़ा रावण बनता था? पहले 41-51 हो गया। पहले 41-51 हो गया जी। अच्छा, तो इसको आगे भी भविष्य में और बढ़ाने की संभावना है? बिल्कुल पॉसिबल है, बढ़ाएंगे आगे जी। हाँ। आपका नाम? संभाजीराव मोहित है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।